This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः फाल्गुन शुद्ध द्वादशी दिनांक 15 मार्च 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 7 कुर्मी निगम शंखं चक्रं जलौकां दधतमृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशक परिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति 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 शोणितजानां तु खलु कुष्ठैः समानं समुत्थानम्। तो रक्तज कृमि जो है उनका कुष्ठ के समान कारण उनके होते हैं, समुत्थान होता है। स्थानम रक्तवाहिन्यो धमन्यः, और उनका स्थान जो है वो रक्तवाही इस प्रकार की धमन्य है। संस्थानम अणु वृत्ताः च अपादाश्च, तो अणु वृत्त और पाद रहित इस प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मत्वाच्च एके भवन्ति अदृश्याः, और सूक्ष्म होने के कारण कुछ इस प्रकार के शोणित चक्र में अदृश्य इस प्रकार के होते हैं। वर्णः ताम्रः, ताम्र वर्ण है। नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसाः औडुम्बराः जंतुमात्रश्च इति। तो केशाद अद का मतलब खाना इस प्रकार का है। तो केशानत्ति इति केशाद, जो बालों को खाता है वो केशाद इस प्रकार का कृमि है। उसी प्रकार से लोमाद, पूरे शरीर पे जो लोम है उनको खाने वाला लोमाद, लोमद्वीप सौरस औडुम्बर, इनका अर्थ लगाना काफी थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का है। तो औडुम्बर शायद ये ताम्र वर्ण होने के कारण इस प्रकार का गया दिया होगा। सौरस ये सुरस से सौरस तद्धित प्रत्यय होकर बनेगा, जिसमें सुरस है इस प्रकार का। लोमद्वीप फिर भी थोड़ा मुश्किल है। जंतु मात्र, अनेक जंतुओं को जन्म देने वाली माता इस प्रकार की, अजंतु की माता। प्रभाव केशश्मश्रु नख लोम पक्ष्म अपध्वंसः, तो इनका प्रभाव जो है केशश्मश्रु नख लोम पक्ष्म, इनका अपध्वंस ये दूर हो जाना, नष्ट हो जाना। व्रणगतानांच हर्ष कंडु तोद संसर्पणानि, ये अगर व्रणगत इस प्रकार के होते हैं शोणित चक्र में, तो हर्ष कंडु तोद संसर्पण, अंदर कुछ चल रहा है इस प्रकार की अनुभूति होती है।
अतिवृद्धानां च त्वक्शिरा स्नायु मांस तरुणास्थि भक्षण, और जब बहुत ही बढ़ जाते हैं तो त्वक्शिरा स्नायु मांस और तरुणास्थि इनका भक्षण होता है। चिकित्सितम अपि येषां कुष्ठैः समानं तदुत्तर कालम उपदेक्षामः। इनकी चिकित्सा जो है वो कुष्ठ के समान इस प्रकार की है, और वो बाद में बताएंगे। तो अभी विभिन्न रोगों में मैगेट्स इस प्रकार के होते हैं, कृमियां होती हैं, व्रण में ये देखा जाता है, और ये कान में देखे जाते हैं, नाक में देखे जाते हैं, किसी ओपन वुंड है, ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर डायबिटिक गैंग्रीन है, वगैरह वगैरह। तो ये मैगेट्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और फिर ये काफी पीड़ादायक इस प्रकार का है। तो एक बात है कि कुष्ठ समान इसका कारण समुच्चय इस प्रकार का है, और रक्तगत कृमि है। तो रक्तगत कृमि सोचकर निदान चिकित्सा होनी चाहिए जब इस प्रकार के मैगेट्स दिखाई देते हैं। और ये काफी डरावना इस प्रकार का दृश्य होता है। दुर्गंधी भी बहुत ज्यादा होती है, क्लेद बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे हालत में धूपन, ये कृमिघ्न इस प्रकार के द्रव्यों का काढ़ा बना के उसके धावन, ये चिकित्सा के रूप में प्रचलन में लाया जाता है। और खास करके इंद्रलुप्त जो है विकार, चाचा चाई इस प्रकार से बोलते हैं, उसका भी कारण ये केशाद कृमि इस प्रकार के होते हैं, और वहां रक्तमोक्षण से फायदा होता है। लीच एप्लीकेशन किया जाता है, जलों का वचरण, और उससे अच्छा रिलीफ आता है। या फिर रक्त और कृमि को ध्यान में रखते हुए करंजल कपूर या नींब तेल, इसका प्रयोग बाह्य रूप में होता है, आभ्यंतर चिकित्सा कृमि की होनी है। वास्तव में इसके लिए एलोपैथी में अच्छे उपचार नहीं है इंद्रलुप्त के लिए, फिर भी डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते रहते हैं जब तक रोगी उनको खुद छोड़ता नहीं, तब तक ये बताते नहीं कि हमारे ट्रीटमेंट से कुछ होने वाला नहीं इस प्रकार से। और ये नाभिक जो है उनको ये पता रहता है कि एलोपैथी में कुछ होने वाला नहीं है, वो पहले देख लेता है कि इंद्रलुप्त है, तो वो कभी सुझाव देते हैं कि आप आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करो, आप एलोपैथी में मत जाओ इस प्रकार से, और उस पर इसके जरिए लोग आ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा हो सकता है और काफी लंबा हो सकता है, बहुत देर तक ये इंद्रलुप्त चल रहा है ऐसा दिखता है, और बच्चों से लेकर बड़े लोगों में भी दिखाई देता है। तो ये रक्तज कृमि है, ये बात ध्यान में रखनी है, और फिर उसको उस दृष्टि से कुष्ठ की चिकित्सा, कुष्ठ का निदान ये देखना जरूरी होगा। श्लेष्मजाः क्षीरगुडतिलमत्स्य अनुपमांसपिष्टान्न परमान्न कुसुम्भस्नेह अजीर्ण पूतिक्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन समुत्थानाः। इसमें काफी बड़ी लिस्ट है श्लेष्मज कृमि के बारे में। तो दूध, गुड़, गुड़ तिल मत्स्य अनुपमांस, तो ये तो काफी प्रचलन में, विशेषता समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें मत्स्य तो काफी पीढ़ियों से साथ में इस प्रकार के है। पिष्टान्न का मतलब ज्यादातर तंडुल पिष्ट किया जाता है, चावल का पिष्ट इस प्रकार से। परमान्न मुझे भी याद नहीं है, परमान्न का मतलब पायसम, मुझे लगा था कि खीर जिसको बोलते हैं उसको परमान्न कहते हैं।
कुसुम्ब स्नेह, एक अरड़ई का तेल इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अलग है इस प्रकार से, और वैसे वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। प्रमेह में एक अरड़ई के तेल के बारे में बताया गया पथ्य के रूप में, लेकिन ज्यादा प्रचलन इसका नहीं है। अजीर्ण पूति क्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन, तो पूति क्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध और असात्म्य इस प्रकार का आयोजन भोजन है, तो उससे उत्पन्न वाले होने वाले कफजकृमि ये है। तेषाम आमाशया स्थानम ते प्रवर्धमाना तु ऊर्ध्वम अधोवा विसर्पन्ति उभयतो वा। तो उनका आमाशय स्थान है और वो बढ़ने पर वे ऊपर या नीचे इस प्रकार से या दोनों तरफ फैलते हैं। संस्थान वर्ण विशेषास्तु ये श्वेता पृथुप्रत्न संस्था संस्थान केचित। तो श्वेत पृथु यानी कि लंबे, ब्रह्म संस्थान इस प्रकार के, तो सप्ता इस प्रकार का ऐसा किया जाता है। ब्रह्मा चर्मलता, चर्मलता केचित वृत्त परिणाहा गंडू पदाकृतयः श्वेताः। तो कुछ वृत्त इस प्रकार का परिणाम होने वाले तर्क परिघ जो है वो गंडू पद इस प्रकार की आकृति श्वेत ताम्रावभासाश्च और ताम्र केचिद अणवा दीर्घान दीर्घा तंत्वाकृत है श्वेता। कुछ अणु दीर्घा दीर्घ और तंत्वाकृति इस प्रकार के और श्वेत इस प्रकार के होते हैं। ये तंतु जैसे कृमि पुरुष में निकलते हैं, ये ऐसा देखा जाता है। तेषां त्रिविधा नाम श्लेष्म निमित्ता नाम कृमीणाम नामानि अंतरादाह उदरादाह हृदयचराह चुरवः दर्भपुष्पाः सौगंधिकाः महागुदाश्च इति। तो उनके नाम जो है अंतराद, तो अंतराद का मतलब अंतर खाने वाला इस प्रकार। अब जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज दिखते हैं तो उसमें हमारा एक निदान अंतराद कृमि भी हो सकता है, और उससे कृमि चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की होती है। अब बात ऐसी है कि उष्ण चिकित्सा दे नहीं सकते इस प्रकार में, क्योंकि रक्तस्राव होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उसके हिसाब से मैं गोक्षुर का ज्यादा प्रयोग करता हूँ, जो गोक्षुर कुर्मिग्न गणों में बताया गया है। ये थोड़ा सा अजीब है, शायद एक लेदनाशन करके कृमि के खिलाफ काम करता है। और रजनी या हरिद्रा, इसके फलश्रुति ने लेकिन हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी कृमिघ्ना हल्दी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी। तो कृमिघ्ना या हल्दी का एक पर्याय बताया गया है। और वैसे हल्दी रोपण करने वाली भी है, तो हल्दी का प्रयोग इसमें हो सकता है। वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस ये काफी डिफिकल्ट बीमारी है ट्रीट करने के लिए। एलोपैथी में मेजाकॉल शुरू करने से तुरंत राहत मिल जाती है, और फिर उसकी आदत पड़ जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स काफी है, डोज बढ़ता जाता है, और स्थिति ऐसी आती है कि अब कुछ करने लायक नहीं रहा एलोपैथी में। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही नाजुक इस प्रकार की होती है। और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसमें रक्तपित्त रक्तातिसार और ये अंतरजकृमि अंतरादकृमि
इस प्रकार से सोचा जा सकता है। और प्रकृति विघात के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, कारणों को टालने का इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। तो ये कोष्ठगत रोग है, फिर भी काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सा करनी है। अब अंतराद जैसे कैसे, वैसे उदराद, उदर को भक्ष, उदर का भक्षण करने वाले, इस प्रकार का भी बताया गया है। तो उदर एक सामान्य संज्ञा इस प्रकार के, ज्यादा जनरल संज्ञा इस प्रकार की है। तो कहीं भी ये उदर का भक्षण करने वाले इस प्रकार से रहेंगे। कुछ बार ऐसा हुआ है कि अपेंडिसाइटिस का निदान किया गया, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, इसके लिए ओपन किया, और ओपन करने के बाद पता चला कि वहां कृमियों का झुंड था अपेंडिक्स में अटका हुआ। इस प्रकार से अपेंडिक्स ठीक था तो ये भी अजीब उदाहरण इस प्रकार के है। और कृमि कोष्ठ इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, और बार बार कृमि होते ही रहते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में पहले कृमियों को बाहर निकालना, और फिर बाद में प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, ये सभी बातें करनी पड़ती है। और फिर भी लंबे समय तक ये सब करना पड़ता है इस प्रकार से। हृदय चरा, ये एक बात बताई गई है। हृदय चर, हृदय में संचार करने वाले, लार्ड सर ने अमेरिका के एक केस बताई थी, माइटर वॉल स्टेनोसिस इस प्रकार का डायग्नोसिस था किसी मरीज का, और टूडीए कोकार्डियोग्राफी या ईसीजी में, ये ईसीजी में नहीं आता होगा रिफ्लेक्ट, लेकिन टूडीए कोकार्डियोग्राफी में हो रहा था। एक बार चेस्ट एक्सरे हुआ, और उसमें पता चला कि कैल्सिफाइड वर्म माइटल वॉल में अटका हुआ है। एक्सरे के जरिए वो दिख दिया, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उसको निकाला गया। अब यहाँ पे जो बात बताई गई, हृदय चर, हृदय में संचार करने वाले इस प्रकार से है, तो ऐसे हालात में हमारा रुद्रोग का कभी कभी निदान कृमिज रुद्रोग इस प्रकार का भी हो सकता है, और उसको कृमि चिकित्सा से ही उपशम मिलता है। तो मेरे पास ऐसा एक लड़का है अभी 14 बरस का। तो इस प्रकार से उसका ये काफी कम था, और ये बताते रहते थे कि ये काफी डेंजरस है वगैरह, सांस फूलती थी वगैरह, बाकी तकलीफें थी। जैसे कृमि ने चिकित्सा की, बस्ती दे दिए। मैं ज्यादातर प्रयोग करता हूँ करंजल कपूर तेल, और उसमें निर्गुंडी तेल, करंजल कपूर 1 या 3 ml तक, और निर्गुंडी तेल 30-40 ml, 50 ml, वही के अनुसार। ऐसे 3 दिन बस्ती देना, फिर 1 महीने के लिए रुकना, फिर 1 महीने के बाद फिर से 3 दिन बस्ती देना, तो कृमि निकल आते हैं। और जैसे कृमि निकल आते हैं, वैसे इसमें राहत, रुद्रोग में राहत मिलती है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि हृदय चर इस प्रकार के भी कृमि बताए गए हैं। उसका पाणभेद है मेरे ख्याल में हृदयाद होगा, हृदयाद हो, क्योंकि बागभट में मुझे लगता है कि हृदयाद इस प्रकार का है। चुरवहा दर्भ पुष्पाहा,
ये मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ आंसर लिख नहीं सकता यहाँ पे चैट में, चैट बॉक्स में। आई रिजॉइन। फिर भी ये दूसरे किसी की तकलीफ नहीं है और सभी लोग सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। तूने तो रिस्टार्ट कंप्यूटर। चुरवहा दर्भ पुष्पा सौगंधिका महागुदाश्च। तो महागुदस का मतलब शायद ये गुदस्थान में जाकर कुछ करते होंगे इस प्रकार से, या गुदज इनका बड़ा है इस प्रकार। प्रभावो रुल्ला सा चुरव काया आहे। नहीं, मुझे भी पता नहीं है चुरव का मतलब क्या है। चुरु ऐसा गिरवान लोहकोश में देखे, अगर उसका कुछ मतलब निकलता है तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तुरुल्लास मुंह में पानी आना से संवणम अरोचका विपाक। अरोचक और अविपाक ये ज्यादातर दोनों साथ में आते हैं, द्विवचन ही होता है अरोचका और अविपाक। तो उसको उसी तरीके से शायद देखना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में ही होते हैं ऐसा करके। ज्वरः मूर्छा जृम्भा क्षवथुः आनाहः अंगमर्दः छर्दिः कार्श्यं पारुष्यं चैति। तो ये मूर्छा भी एक लक्षण है। रुल्लास आस्य संश्रमण छर्दी ये भी एक लक्षण है। एक हमारे यहाँ अजीब केस हुई थी, वैभव मेहता के पास एक पक्षवत की केस थी। अब पक्षवत में तो कोई डायग्नोसिस में भूल होने की कोई संभावना नहीं है, आसान है पक्षवत को जान लेना इस प्रकार। दाड़िम तो बस्ती भी देते हैं ना कृमि में, उसका कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है क्या? मैंने नहीं दिए है, मैंने सुना था लेकिन मैंने नहीं दिए है। वैसे कपी कच्छू जो है उसके ऊपर जो लव होती है, कांटे कांटे होते हैं, वो गुड़ के साथ या कैप्सूल में रख के देते हैं। मैंने भी ये प्रयास किया था लेकिन वो कहीं भी शरीर को छूते हैं तो काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये उद्वेजित करती है कृमियों को और बाहर निकालती है, ये भी है। और पड़स पापड़ी ये भी इस प्रकार से देते हैं, तो उसके भी गुण अच्छे हैं ऐसा बताया जाता है। सीताफल के बीज को युका और लिक्षा के लिए बालों में लगाया जाता है, तो उसका पाउडर बना के। तो एक काफी इस प्रकार से प्रचलन में है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे श्रेष्ठ तो कहा गया है, वो विडंग बताया गया है। और विडंग का लगातार उपयोग करते रहने से शायद फायदा होता होगा। वैसे विडंग से कृमि बाहर निकले हैं ये नहीं दिखाई देता। आरगवत से या फिर कपिला से, कपिलक चूर्ण से कृमि अच्छी तरीके से निकलते हैं, या कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस वगैरह वगैरह, ये जो है उनका प्रयोग करें। तो ये पक्षवत की केस थी और उसमें वैसे भूल होने की कोई संभावना नहीं होती है। हमारा आयतन निदान का कार्य चल रहा था डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, तो उसमें वो केस डाली गई और ये लक्षण थे उसके साथ में, मूर्छा छर्दी रुल्लास इस प्रकार के लक्षण साथ में थे। तो आश्चर्य से पहला निदान जो उभर आया वो कृमि रोग इस प्रकार का आया। ये अभी तो यहाँ पर स्पष्टतया लक्षण दिए गए हैं और एक कफज कृमि के लक्षण है वास्तव में। तो फिर उसने प्लान जो किया था बस्ती का, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, कृमिघ्न
चिकित्सा उसमें ऐड कर दी और बहुत सारे कृमि निकले। अब उसके कहने के मुताबिक पक्षवत का भी एक कारण कृमि ऐसा है, वर्म इन्फेस्टेशन ये पक्षवत का भी कारण है एलोपैथी की दृष्टि से भी। लेकिन ऐसा सोचा नहीं जाता कि ये इस प्रकार का कारण है, तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी इस प्रकार की है। और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे अजीब अजीब सामने आए हैं किससे। मैं किडनी फेलियर को ट्रीट कर रहा था और उसमें डायग्नोसिस उभर है पिंडोद्वेष्टन नानात्मज वात विकार इस प्रकार से। तो मैंने वात व्याधि सोच के उसको बस्ती देने का प्लान किया और फिर माउस को ध्यान में रखते हुए मुस्तादियापन का प्रयोग किया। उसमें माउस शुक्र बल प्रदाह ऐसी फलश्रुति है। तो पिंडिकोद्वेष्टन तो चला गया लक्षण के रूप में, लेकिन क्रिएटिनिन यूरिया भी कम हो गया। तो किडनी फेलियर को हम कभी वात व्याधि के ऐसे ऐसे सोचेंगे ऐसा मैंने भी सोचा नहीं था। पांडु या शोथ इस प्रकार के निदान होते हैं, अग्निमान्य निदान होता है, अजीर्ण होता है कभी कभी। लेकिन इसका निदान हम पिंडिकोद्वेष्टन नानात्मज वात विकार करेंगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर से, जो अभी प्रातिपदिक कोष के आधार पर भी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनेगा, तो ये तो और भी ज्यादा व्यापक इस प्रकार का होगा। तो ये जिनके बारे में हमने सोचा न हो ऐसे भी निदान इसमें से उभर आ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। छर्दी कार्श्यम पारुष्यं चैति। पुरुष जहा तुल्य समुत्थाना श्लेष्म जाइए, पुरुष जो है वो कफजो कृमि के जो कारण है उसी प्रकार से कारण है। तेषां स्थानं पक्वाशयः, उनका स्थान पक्वाशय है। ते प्रवर्धमाना तो अथो विसर्पन्ति, और बढ़ने पर वो नीचे चले जाते हैं। यस्य पुनः आमाशयाभिमुखाः स्युः तदनन्तरं तदनन्तरं तस्य उद्गार निश्वासः पुरुषगन्धेन स्युः। और अगर वो आमाशयाभिमुख इस प्रकार के हो जाते हैं तो यदंतरम तदंतरम ये क्या है जरा देखेंगे। यस्मिन काले तदनंतरम तत्कालमेव, तस्य उद्गार निश्वासा बदन मांस पेशी। तो जिस काल में वो इस प्रकार से ऊपर आते हैं वो उद्गार निश्वास पुरुष गंधी इस प्रकार के होते हैं। ये पुरुष गंधी उद्गार निश्वास ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी देखा जाता है, और मेरे पास ऐसे मरीज हुए हैं। तो ये काफी खतरनाक इस प्रकार की अवस्था है, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरा अच्छा उदाहरण रहा, एक जैन साध्वी थी, करीबन उम्र 47 47 48 इस प्रकार की थी, और मेरा सत्कार हुआ था अहमदाबाद में। तो उसके लिए मैं अहमदाबाद गया था, तो उन्होंने जिक्र किया कि आप एक बार इनको देखें। तो उनको देखने के लिए गया, वो जब 8 9 बरस की थी तब पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली थी। तो वो उसके दो बड़े भाई और उसके पिता और माता इन सभी ने एक साथ दीक्षा ले ली थी। अब इसको ओवेरियन कैंसर हुआ और काफी फैला हुआ था, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी हाथ पे लग रहे थे इस प्रकार से, पेट फूला हुआ था और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन ये भी था, वायु का संचय बहुत था। अब इस अवस्था में ये ओवेरियन ट्यूमर के जरिए ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इस प्रकार का हुआ था। तो मैं जब पहुंचा वहां पे
तो एक सर्जन ने 1 महीना पूर्व उसको देखा था और उसने सलाह दी थी आप तुरंत इसका ऑपरेशन करवा दें, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं, वैसी कंडीशन चलती रही। फिर ये अवस्था तो गंभीर थी, तो मैंने कहा मैं दवा देता हूँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोले वो सर्जन से बात करनी पड़ेगी। तो सर्जन बंबई में था, तो मैंने आप बोलना आरंभ किया तो उसने कहना शुरू कर दिया आयुर्वेद वगैरह अभी कुछ नहीं है, तो ये उसको सर्जरी ही आवश्यक है इस प्रकार से। मैंने कहा आपने कब देखा है, तो बोले 1 महीना हो गया। मैंने कहा आप आइए और देखिए खुद और फिर बताइए सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में अभी तो कुछ चांसेस नहीं है सर्जरी के इस प्रकार से। तो वो आए बम्बई से अहमदाबाद आए, उन्होंने देख लिया और फिर डिक्लेयर कर दिया कि अब कुछ भी नहीं है हाथ में हमारे, और ये 2 दिन ही जिंदा रहेगी, ज्यादा जिंदा भी नहीं रहेगी। इस बीच मैंने आरंभवत सिद्धक्षीर देना आरंभ कर दिया, थोड़ा थोड़ा, एक एक घूंट इस प्रकार से। और सौभाग्य रहा कि जैसे ये देना आरंभ कर दिया तो श्रवसन होने के कारण आरग्वत, तो विपक्म में मेद पक्वम वा श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकम नये तथा श्रवसनम यथा वा तथा स्यात् कृतम आलकम। तो विपक्व हो अपक्व हो कुछ भी हो उसको लेकर नीचे चला जाता है, तो उसका फायदा मिला और मल निस्सरण वात निस्सरण हुआ। तो मैंने कहा अब ये मरने वाली नहीं है, 2 दिन में ये बच जाएगी। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हद तक कम हुआ है तो उम्मीद है कि वो अभी तुरंत नहीं मरेगी। अभी सर्जन ने बता दिया था कि नहीं बचने वाली है, तो उसके भाई और पिता 100 किलोमीटर दूरी पर थे दूसरे विहार में। उनको जब पता चला तो वो दौड़ते हुए चल पड़े वहां से, और जनरली ये 20-22 किलोमीटर रास्ता तय कर लेते हैं 1 दिन में। वो 30-35, उनके पिता की तो उम्र उस समय 75 थी और दोनों भाई जो थे वो 52-54 वगैरह इस प्रकार के बरस के थे। तो वो बहुत कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसको मिलने के लिए आने के लिए तरस रहे थे। तो मैंने कहा कि उनको बता देते हैं कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो 4 दिन में आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये बचने वाली है इस प्रकार से। तो हम कार से गए, करीबन 50 किलोमीटर पर वो थे, तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप शांति से आइए, और वो एक्चुअली उसके बाद भी 2 महीने तक जिंदा रही। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ये एक अहम मुद्दा है, कृमि के वजह से भी हो सकता है ऐसा, एक यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी। ये तो कैंसर था, दूसरी भी हमारे पास मरीज था इस, वो कैंसर का ही था, कोलन कैंसर था उसका भी। उसकी बड़ी अजीब हकीकत है, उसको दीनानाथ मंगेशकर में ऑपरेट किया गया। फिर उसके पत्नी ने पूछा कि हम आयुर्वेद कर सकते हैं क्या, तो उसने बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्यूज किया, नहीं कुछ नहीं करने का इस प्रकार से। एक बरस में ही रिलैप्स आ गया, तो टाटा में भेजा गया, वहां केमोथेरेपी हुई 11 लाख रुपए खर्च करके। फिर 6 महीने में रिलैप्स आ गया और यंग था, 29 उम्र थी। तो फिर से टाटा के पास चले गए, तो उन्होंने बता दिया ये तो होने ही वाला था क्योंकि केमोथेरेपी को क्यूरेटिव रोल था ही नहीं। तो बड़े आश्चर्य में आ गए कि तो दी क्यों केमोथेरेपी, तो बोले नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जरी कर चुके थे, दूसरा ऑप्शन केमोथेरेपी पर किया है, तो हम देते हैं, उपयोग होता नहीं है मालूम है फिर भी देते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़े गुस्से में आ गए, लेकिन मरीज की तबीयत बिगड़ती गई, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ।
फिर उसको वापस दीनानाथ में भेजा गया, उसी सर्जन ने फिर से ओपन किया, कुछ नहीं कर पाए, सूचर बैक किया, ट्यूमर भी नहीं निकाल पाए, ऑब्स्ट्रक्शन को भी निकाल नहीं पाए। फिर उसकी पत्नी ने फिर से पूछा कि आप तो आयुर्वेद करेंगे, तो बोले करो कुछ भी करो, आप कुछ किसी का भी कुछ फायदा नहीं है। उस अवस्था में मेरे पास है, कुछ फायदा नहीं हुआ, 8 दिन में उसकी मौत हो गई। तो ये इस प्रकार के इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस कभी कभी देखे जाते हैं। और इसमें पुरुष गंधी उद्गार ये लक्षण उसमें था, ये जो दीनानाथ का पेशेंट था, ये पुरुष गंधी उद्गार इस प्रकार का लक्षण था। तो ये रिष्ट लक्षणात्मक इस प्रकार का थोड़ा सा है, और खास करके इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो ये रिष्ट लक्षणात्मक है। हमारे यहाँ बद्ध गुदोदर ये एक अवस्था बताई गई है, लेकिन ये दोष पुरुष वगैरह के जरिए होता है। एक दत्तात्रेय शास्त्री जरूर ने एक केस लिखी थी, उनका लेख था उसके बारे में, कि रोजा किया गया, कोई मुस्लिम पेशेंट था, और पूरे 40 दिन वगैरह ऐसे कुछ सिर्फ पानी पे रहा, और ये छोड़ते वक्त उसने दही भात खाया, तो आना हो गया, पुरुष कठिन मल इस प्रकार का बन गया, पेट फूल गया और बहुत दर्द हो रहा था। तो सर्जन ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन ये ऑपरेशन सहन नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते है। तो दत्तात्रेय शास्त्री को बुलाया गया, उन्होंने उस समय में आर्द्रिका भेदिनी गुर्वी इसको ध्यान में रखते हुए नाभि प्रक्षेप आर्द्रक स्पर्श का किया। वो होने के बाद मलभेदन कुछ हद तक हुआ और वायु छूट गया, और जैसे अपन वायु बाहर निकला तो बहुत दुर्गंधी फैल गई, उस रूम में कोई ठहर नहीं सका। फिर भी रोगी आश्वस्त हो गया, पेट दर्द कम हो गया एकदम, और वो बोला कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे संतोष है कि मुझे राहत मिली। दत्तात्रेय शास्त्री ने भी कहा था कि ये हम बता नहीं सकते ये बच पाएंगे, लेकिन कम से कम वेदना कम करेंगे तो भी ठीक है। इस प्रकार से फिर उसकी मौत हो गई। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और ये पुरुष गंधी उद्गार निश्वास ये अगर है तो हमें काफी सजग इस प्रकार का होना पड़ेगा। संस्थान वर्ण विशेषास्तु स्थूल वृत्त परिणाह, सूक्ष्म वृत्त परिणाह, सूक्ष्म वृत्त परिणाह, श्वेता दीर्घा ऊर्णांश संकाशा केचित, श्वेत दीर्घ और ऊर्णा यानी कि मेंढी की लोकर इस प्रकार की जो है ऊर्णा, उस प्रकार के दिखने वाले केचित पना स्थूल वृत्त परिणाह श्राव नील हरित पीता। तो स्थूल वृत्त परिणाह और श्राव नील हरित पीत इस प्रकार के वर्ण, तेषां नामानि ककेरुकाः मकेरुकाः लेलिहाः सशूलकाः सौसरादाश्च इति। अभी इन नामों से तो कुछ पता नहीं चलता, ककेरुक मकेरुक लेलिह, लेलिह का मतलब चाटने वाला इस प्रकार का होगा, सशूलक तो ये शूल करने वाले, सौसुराद ये तो मुश्किल है थोड़ा सा। प्रभावः पुरीष भेदः कार्श्यम पारुष्यम लोमहर्षाभिनिर्वर्तनञ्च। तो पुरीष भेद कार्श्य पारुष्य लोमहर्ष अभिनिवर्तन, त एव चास्यं गुदमुखं परिदुन्दन्तः कण्डुम उपजनयन्ता गुदमुखं परियासते। तो गुदमुख को वो पीड़ा निर्माण करते हैं, तोद निर्माण करते हैं, कंडू निर्माण करते हैं और वहीं पे रहते हैं। ते वो जात हर्षा गुद निष्क्रमणम अतिवेलन कुर्वन्ति। उनमें अगर हर्ष निर्माण होता है तो ये गुद निष्क्रमण ज्यादा काल तक करते हैं। इत्येष श्लेष्मजानां पुरीषजानांच कृमीणां समुत्थानादि विशेषः। तो ये कफज और पुरीषज कृमि के समुत्थान आदि विशेष इस प्रकार के। मैंने एक अजीब किस्सा गौतम सर से सुना था, भैयाराव गौतम,
एक मुर्दुस या फक्कर रोग की केस थी, छोटा बच्चा था और मालकांगनी या ज्योतिषमती इसका स्वरस पृष्ठवंश पे लगा के उसको धूप में रखना, इस प्रकार का उपाय उन्होंने किया। और जैसे ये लगा के धूप का सेवन शुरू हुआ तो उसमें से मैगेट्स निकल आए पृष्ठवंश से। उन्होंने वो पकड़े, लैब में भेजे, उन्होंने बताया कि ये गोचिड़ है जो गाय भैंसों पर ऊपर होते हैं इस प्रकार से। तो मेरे पास भी ऐसी एक केस थी, तो मैंने ये सब निश्चय कर लिया कि रविवार को बुलाएंगे और हमारे सऊद के ऊपर, गच्छे के ऊपर ये प्रयोग करेंगे, मरीज आया ही नहीं। और फिर 2 हफ्ते बाद वो मिले मरीज, तो मैंने पूछा कि आप आए क्यों नहीं, क्या हुआ? तो बोले नहीं, हमें किसी ने सुझाव दिया कि एक उपाय करते हैं अलग, और ऐसे कुछ रस लगाया और उसमें से कीड़े निकले। वो बोला कि अब ये ठीक हो जाएगी इस प्रकार से। तो मैं जो उपाय करने वाला था वो किसी दूसरे ने कर लिया। मैं उसका वीडियो शूटिंग करना चाहता था क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अभी ये फक्कर रोग के ज्यादा मरीज मिलते नहीं है। लेकिन किसी को भी अगर इस प्रकार का चांस मिले तो ये जरूर करना चाहिए और उसका वीडियो शेयर होना चाहिए। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का है। और पृष्ठवंश पे ये लगाएंगे तो वहां से ये कृमि निकलते हैं, ऐसा दोनों का कहना था, भैयाराव गौतम का भी कहना था और जिस आदमी ने ये किया दूसरे आदमी ने उसका भी कहना था। तो अगर कृमि इस प्रकार का निदान है तो सभी माहौल बदल ही जाता है इस प्रकार से। ऊर्ध्वगत नाम से एक वैद्य मृगंध लक्षण मिलते हैं, अरसो ये मुखोविकार में आया है ऊर्ध्वगुदर, और विडगंध ही होता है ऐसा नहीं है, दौर्गंध्यं कुर्वम ऊर्ध्वम याति। तो अभी जो लोग सांस की बदबू के बारे में बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसमें ज्यादातर ओरल हाइजीन के बारे में विचार होता है, दांत कैसे है वगैरह इस प्रकार है, तेल अवेलेबल होना चाहिए, कभी किया नहीं किया, गया नहीं गया, ज्योतिषमती तेल तो अवेलेबल है तो शायद उससे भी फायदा होगा। लेकिन ये मरीज ही काफी मुश्किल है मिलना, तो अगर मिलते हैं तो जरूर कोई भी कोशिश करे इसके बारे में तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कृमि रोग, कृमि निदान कर पाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ताहिर राजवाड़े ने एक केस बताई थी, ऐसा एक 6-7 बरस का लड़का था और सरदर्द होता है ऐसा बताता था, और फिर स्कूल में जाना नहीं चाहता, बहुत ही दर्द है करके। तो MRI वगैरह सब हुआ, ब्रेन का कुछ निकला नहीं, तो सभी डॉक्टर ने बताया कि ये केवल शाला टालने के लिए ये कर रहा है, वास्तव में कुछ बीमारी नहीं है उसकी। फिर भी बीमारी तो हट नहीं रही थी। तो ताई राजवाड़े के पास आए, उन्होंने कुछ सोचकर दवाइयां दे दी और उन्होंने तो कृमि का निदान नहीं किया था, लेकिन कृमि निकले और जैसे कृमि निकले वैसे सरदर्द बंद हो गया। तो इन्होंने केस क्लासरूम में बताई, उन्होंने बताया कि मुझे तो मालूम नहीं था कि कृमि है, उन्होंने किस हिसाब से दवाइयां दी, सरदर्द के हिसाब से ही कुछ दी थी इस प्रकार से, लेकिन कृमि बाहर निकले और जैसे कृमि निकले वैसे सरदर्द बंद हो गया। तो ये भी थोड़ा अजीब है कि सरदर्द लेकर कोई मरीज आए और निदान उसका कृमि इस प्रकार का हो। जीवक की कथा है, इसमें वो
मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें से कीड़े निकाले, इस प्रकार का बताया गया है। ये तो काफी अजीब इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से सर्जरी करना, मैंने एक वीडियो देखा था अफ्रीका का, वो भी इस प्रकार का अजीब वीडियो इस प्रकार का था कि इस प्रकार से विभक्त करके उसमें से कुछ करते हैं, मस्तक के ऊपर काम करते हैं, ब्रेन के ऊपर काम करते हैं इस प्रकार से। नहीं, काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ठीक है, कहीं दफा इस प्रकार के कृमि निदान होने से पूरा माहौल ही बदल जाता है। बागेवड़कर ने भी उनके जो अनुभवामृत या माझी चिकित्सा में से किसी में एक ग्रंथ में है कि उनके रिश्ते में कोई थे और वो उनके घर पे ही आए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ये गुदकंडू लक्षण में देखा गया। तो बागेवड़कर ने निर्णय कर लिया कि कल शोधन चिकित्सा करेंगे इस प्रकार से। और उस समय में सेंटोमिक्स करके एक दवा बहुत प्रचलन में थी, तो ये वैद्य भी उसका प्रयोग करते थे। शायद एलोपैथी की दवा है, मालूम नहीं अभी सेंटोमिक्स अभी तो मिलती है नहीं मिलती है कि कुछ पता नहीं है। तो वो देने से पुरुषज कृमि निकलते थे, ऐसा बहुत लोगों का अनुभव था। तो सेंटोमिक्स दिया और फिर विरेचन दिया और बहुत सारे कृमि निकले, उसका निदान नहीं हो रहा था। तो निदान अभी कृमि रोग ऐसा ही हो गया और फिर वो ठीक हो गया आगे चल। तो ये काफी दिलचस्प बातें कृमि रोग के बारे में है। तो श्लेष्मज और पुरीषज कृमि के बारे में ये तिल गुड़ वगैरह ये सभी जो बातें बताई गई, ये महत्वपूर्ण कारण के रूप में है। और जब तक निदान परिवर्जन इस प्रकार का हुआ, गली बैठी निदान परिवर्जन नहीं होता तब तक उगड़ू कमी तब तक मुश्किल होता है। कोलटकर सर ने एक मरीज के बारे में, वो हर रोज गुड़ खाता है ये सुनकर कृमि ने चिकित्सा की थी और उससे फायदा हुआ था। वो हर रोज गुड़ खाता था। मेरे पास एक मरीज थी, उसकी कंप्लेंट ये थी कि वो, उसका पति और उसके दो बच्चे, ये एक ही बड़े बिस्तर पर सोते थे और सिर्फ उसी को कुछ कृमि डसते थे, काटते थे, बाकी 3 लोगों को नहीं होता था। तो मैंने पूछा, तुम मीठा खाना खाती हो क्या? तो बोली हाँ, मुझे उबर लगा। तो उसने बताया कि मैं मीठे के बिना खा ही नहीं सकती, शक्कर गुड़ या साकरम्बा मुरम्मा वगैरह कुछ ना कुछ तो होना ही है भोजन में। तो मैंने कहा एक काम करो, मीठा बंद, बिल्कुल बंद करो, और कड़वा हर रोज खाना है। तो करेला हो या मेथी हो, हर रोज खाना है, तो भी एक हफ्ते के बाद मुझे बताओ। तो ये कृमि के काटने की शिकायत बंद हो गई। तो एक इसमें पंचतंत्र में एक कथा है, मंद विसर्पिणी युका इस प्रकार से। तो एक मत्कुण और एक युका, इनकी कथा है, ये भी बड़ा अजीब है, ये पात्र जो चुने गए हैं इस प्रकार से। और वो युका बिस्तर में रहती है राजा के, और वहां पे मत्कुण आ जाता है। तो वो देखकर कहती है, नहीं, तुम ये यहाँ रहना नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से वगैरह वगैरह। तो बोलता है, अरे मेहमान हमको इस प्रकार से पेश नहीं आते, या घुष्ट गृहाण चासन विदम कस्मात चिरा दृश्य से वगैरह वगैरह, इस प्रकार से मेहमानबाजी की जाती है। तो बोलती है, अरे राजा एक सेवक रहते हैं, वो देखते हैं, वो उसने उन्होंने तुमको अगर देख लिया तो
मार डालेंगे, मुझे भी मार डालेंगे। तो मानता नहीं है, वो वहां पे रह जाता है। और फिर राजसेवक आते हैं और युका को देखते हैं, उसको मार देते हैं। मतकुन वैसे ही रहता है। और फिर वहां पे वो बताता है कि ये राजा हर रोज मीठे पदार्थ खाता है, तो उसका खून बहुत मीठा होगा। तो उस खून के लालच में मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस प्रकार। तो सर्वे पे मधुमेह आख्या माधुर्य अच्छा तनोरथा, पूरे शरीर में मधुर भाव इस प्रकार का प्राप्त तो हो सकता है। और फिर इस प्रकार के कृमि को बढ़ावा मिलता है। तो ये शायद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अहम मुद्दा जो है कि प्रकृति विघात ये करना बहुत जरूरी है। कृमि के बारे में हम जो बहस कर रहे थे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये इन सभी को हम कृमि में पकड़े या नहीं पकड़े, इन रोगों, इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों को आगंतु में गिने या निर्जर में गिने, तो बहस चलती रहेगी। लेकिन प्रकृति विघात इसमें महत्वपूर्ण है। अगर ये हम इस प्रकार से आगंतुक रोगों में उनको गिनने की कोशिश करते हैं, तो पर्यावरण की शुद्धि और इस प्रकार के खाने पीने के बारे में शौच ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का हो। और इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरे एक डॉक्टर से काफी बहस हुई थी और उसका कहना था कि एलोपैथी में भी परहेज होता है। तो मैंने कहा कहाँ होता है, कहाँ बताते हैं आप पूछते भी नहीं है क्या खाते हैं पीते हैं, तो बताने की तो बात अलग होती है इस प्रकार से। फिर इकोलाइटिस पर बात उतर आई थी और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कि इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो ठीक होते हैं मरीज। तो मैंने कहा कहाँ ठीक होते हैं, कुछ दिन के लिए अच्छे रहते हैं फिर से बिगड़ जाता है इस प्रकार से। तो बोले वो परहेज नहीं करते। तो मैंने कहा क्या परहेज करना जरूरी है इसमें, तो मैंने बाहर का खाना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप बताते हैं क्या उनको बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार से है। लोग इसमें तो ये स्पष्ट रूप से दिखाया देता है कोलाइटिस जैसे विकारों में कि ना आयुर्वेद होता है ना एलोपैथी होती है, बहुत ही अजीब चिकित्सा होती रहती है। थोड़ी भी अगर दस्त हो गई है तो ये तुरंत लोमोटिल वगैरह इस प्रकार की दवाइयां लेते हैं। खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता, वैसा ही खाना पीना चलता रहता है और ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और वो भी एक दो दिन के लिए लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ना ही अग्नि का विचार है ना ही इन्फेक्शन का पूरी तरीके से विचार है, तो ये कोलाइटिस में चले जाते हैं फिर आगे। और फिर उसको सुधारना काफी लंबा प्रोसेस, लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो मूल रूप से अग्नि की चिकित्सा हो तभी हम इसके बारे में काबू पा सकेंगे, इसके बारे में कुछ कर सकेंगे। और कृमि और इन्फेक्शन इसके बारे में अगर कुछ तुलना करनी है इस प्रकार से, सूक्ष्मत केचिद अदर्शनाः, तो अभी ये दिखाई न देने वाले इस प्रकार के बैक्टीरिया वायरस वगैरह वगैरह है, ऐसा कुछ ऐसी कुछ बहस की जाती है इसके सभी के बारे में। तो ये जो उनके कारण है, कुष्ठ वगैरह इस प्रकार के जो कारण बताए गए हैं और मृजावर्जनम ये जो कारण बताया गया है, उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। कुष्ठ का निदान कफ जो कृमि के बारे में जो निदान बताया गया है, पुरुष जो कृमि के बारे में जो निदान बताया गया है, उनको भलीभांति देखना है, उनको दूर करना है ये सभी कारण टालने के लिए।
आवश्यक है, टालना आवश्यक है। और जब ये होगा तब शायद हम इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में भी इस प्रकार से सोच सकेंगे। लेकिन जहाँ वहाँ जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, वैसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल वगैरह वगैरह इस प्रकार से सोचना उतना ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एंटीवायरल देकर काम हो रहा है, जैसे कि ये शालीपरणी वनस्पति का मैंने प्रयोग किया, तो ठीक है, कुछ हद तक हमें इससे रिलीफ तो मिल रहा है, तो उस तरीके से थोड़ा सोच भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसी तरीके से सोचेंगे और आयुर्वेद के बाकी सभी अंगों को छोड़ देंगे, आयुर्वेदीय निदान को छोड़ देंगे, तो मुसीबत होगी। तो हमें किसी भी हालत में आयुर्वेद को नहीं छोड़ना है, आयुर्वेद तो करते ही रहना है। इसके बावजूद अगर थोड़ा थोड़ी सी सहायता इस प्रकार के आधुनिक विज्ञान से अगर लेनी है और उसके बारे में सोचना है हमारे दृष्टि से, तो कुछ बात हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद को पूरा छोड़ देना और सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाना, ये तो मूर्खता इस प्रकार की रहेगी। और यही सिलसिला अभी भी चल रहा है। चिकित्सितं तु खलु येषां समासेन उपदिश्य पश्चात विस्तरणे उपदेक्षामः। तो चिकित्सा जो है इसकी पहले संक्षेप में बता के फिर विस्तार से बताएंगे। सर्वतत्र सर्वकृमीणाम अपकर्षणम एवादतः कार्यम्। तो सर्वकृमि में पहला अपकर्षण ही करें, उनको बाहर निकालें। अब ये बैक्टीरिया वगैरह को कैसे बाहर निकालेंगे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये जो इस प्रकार के कृमि है उनको बाहर निकालने का सोच सकते हैं। तथा प्रकृति विघात, फिर प्रकृति विघात और अनंतरम निदानोक्तानां भावानां अनुपसेवनमिति। और फिर बाद में निदानोक्त तो जो भाव है, कारण के रूप में जो बताए गए भाव है, उनका सेवन नहीं करना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इसके बारे में कल बहस करेंगे। इस हफ्ते में तो शनिवार तक सभी लेक्चर्स होंगे, अगले हफ्ते में सोमवार, मंगल और बुधवार 3 दिन लेक्चर्स रहेंगे। बुधवार दोपहर में राजस्थान की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ सपरिवार, और वापस आऊंगा 1 तारीख को। तो 24 मार्च से, 1 तारीख तो शुक्रवार है, 2 तारीख को गुड़ी पड़वा है, चैत्र मासारंभ, और फिर 3 तारीख को रविवार। तो 4 तारीख से फिर से हम शुरू करेंगे। तो अगले हफ्ते में बुधवार तक लेक्चर्स होंगे, और गुरुवार से लेकर उसके आगे वाले रविवार तक, 24 मार्च से 3 अप्रैल तक लेक्चर्स नहीं होंगे, और फिर 4 अप्रैल सोमवार से फिर से शुरू करेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह ही शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति 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 ही विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वाह पुनर्मिलिष्यामः।